आलस्य से झूठ बनता है, क्योंकि आलस्य करते हुए हमें झूठ बोलना पड़ता है। आलस्य करके हम सो जाते हैं। होमवर्क पूरा नहीं करते। दूसरे दिन क्लास में जब टीचर पूछते हैं तो हम झूठ बोल देते हैं। सत्य नहीं बताते। तो आलस्य से झूठ की आदत बन गई। झूठ जब बार बार पकड़ा जाता है तो हमें क्रोध आने लगता है। है ना सच बात? और जब क्रोध आने लगता है और बार बार टीचर या माता पिता हमें टोकते हैं तो हमें उनके प्रति क्या हो जाती है? घृणा हो जाती है। और घृणा की वजह से हमें हो जाता है घमंड। एक आलस्य की वजह से कितनी चीजें हो गई? झूठ, क्रोध, घमंड, घृणा। एक आलस्य छोड़ने से आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं अपने फील्ड के, सिर्फ क्रिकेट के नहीं, आप डॉक्टर में सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग में, टीचिंग में, वकालत में, एस्ट्रोनॉट बनने में, ऊपर जाने के लिए, या किसी भी काम में आप एक आलस्य के छोड़ने से बन सकते हैं। तो सब जरा पूरे जोश से कहेंगे कि हम सभी वादा करते हैं कि आलस्य को अपने जीवन से सदा के लिए मिटा देंगे। और झूठ, क्रोध, घमंड, घृणा से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और इस विश्व में कमाएंगे बड़ा नाम, करेंगे माता पिता का नाम, अपने टीचर्स का नाम, अपने देश का नाम। जो बोले सो निहाल।